पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इन दिनों झालरापाटन के दौरे पर हैं। राज्य सभी वार्डो में जनसुनवाई के साथ लोगों से संवाद कर रही हैं, जिसमें शहर के मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। राज्य ने कहा कि पट्टे बनने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नगरपालिका को ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई को लेकर लोगों को आगे आना पड़ेगा, प्राकृतिक जल स्रोतों को अतिक्रमण से बचाना होगा। अपन वार्ड वाइज चक्कर लगाएंगे, उसमें अपने को मालूम पड़ जाता है कि मोस्ट ज्वलंत समस्या क्या है। छोटे छोटे तो सबके कागज आएंगे ही आएंगे, परंतु जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत क्या है, वो जैसे अभी आपको पट्टों की पूरा शहर बसा है सो कॉल्ड फॉरेस्ट में, अब इनको तो उठा के कहीं भेजोगे नहीं, तो कभी ना कभी तो आपको इनको पट्टे देने ही हैं। तो वो जब देना है तो व्यवस्थित ढंग से इसको चेक करा के, इसका कागज पत्री देख के, जो भी है उसको करके, जो भी काम करने की जरूरत है वो सब करके जिला प्रशासन पट्टों का काम करवाने का शुरू कर दें, ताकि जो लोग बेचारे लोन नहीं ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो 100 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको ये सुविधा मिल जाएगी। दूसरा, अभी हम सब वॉकिंग ट्रैक पे चल रहे हैं, और ये लेक के चारों ओर जो वॉकिंग ट्रैक है उसकी क्या व्यवस्था बैठ सकती है वो अपन देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी सिटी के अंदर अगर आपको उस सिटी को आगे बढ़ाना है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके सिटी का तभी बढ़ सकता है जब गंदगी नहीं होती। हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा स्थान बन जाए हमारे लेक झालरापाटन को टॉड में, आप कभी पढ़ोगे तो हिस्ट्री ऑफ, जब राजस्थान की बात करते हैं तो टॉड ने लिखा है कि सिटी ऑफ लेक्स एंड बेल्स, मैंने मंदिरों का बेल्स और लेक, तो आप देखते सारी तालाब, तो ये जो इनके अंदर के आने की सोच जो है उनको बंद नहीं होना चाहिए, और ऐसा स्थान एक बन जाना चाहिए जहाँ यहाँ की जनता उनको बैठ करके उससे सुकून पा सकती है।